ये बानी नहीं, एक फ्रॉड है। अब भी आपको कुछ कहना है? रघुवीर, रघुवीर, अब आपको तो सब कुछ पता है ना, आपको पता है कि मैं ही बानी हूँ, प्लीज सबको बताइए कि सच क्या है, प्लीज रघुवीर। आयुष, आयुष, मुझे तुम्हारा सच पता होता, अगर पता होता तो मैं सबको बता भी पाता, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि तुमने मुझे अपना सच कभी बताया नहीं, और जो मुझे पता है वो ये है कि तुम बानी नहीं हो, तुम प्रगति हो, और यहां पे मेरी प्रॉपर्टी हत्या नहीं है। इंस्पेक्टर, प्लीज आप अपना काम कीजिए। इस घर में इनका कोई नहीं और ये किसी की भी नहीं है, और किसी को इनकी जरूरत भी नहीं है। अरेस्ट हर। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, ये कोई फ्रॉड ना है, पानी है। चुप कर, तू कुछ नहीं जानता इस लड़की के बारे में। हमें पता है ये लड़की कैसी है। आंटी जी, बेशक आप जानो, पर इस वक्त जो बोल रहा है वो आप नहीं, वो नफरत है जो आप इससे करते हो। इंस्पेक्टर साहब, जो पानी है जो मेरी दोस्त थी, और एक भी है। तेरी दोस्त है ना? मैं पति हूँ उसका, तुझसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उसको, और बानी को भी। तू जानता है और मैं भी जानता हूँ, यही बानी है, और हम सब जानते हैं, फिर भी सच से मुंह फेर रहे हैं। देख सही क्या है और गलत क्या है, सब जानते हैं, पर ये झूठ का साथ दे रहा है। इंस्पेक्टर, इसे भी ले जाइए। गलत मैं बन जाऊं चलेगा, पर अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ गलत होता नहीं देखूंगा। 4 दिन हुए तुझे यहाँ पे, गलत और सही का फैसला तू मत कर। इंस्पेक्टर साहब, कितने बजे हैं आपकी गाड़ी में? 7:30, वो भी सांझ के, और शाम होने के बाद आप किसी भी औरत को बिना लेडी कांस्टेबल के नहीं गिरफ्तार कर सकते, ये लॉ है। ठीक है, हम कल सुबह आएंगे लेडी कांस्टेबल को साथ में लेके। मिसेस प्रगति, आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगी। चलो कांस्टेबल। प्रगति, 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 क्या कर रही हो तुम? पता नहीं, बस इतना पता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। ठीक है, ना रहना तो कोई बात नहीं, एक काम करो, चाबी मैंने तो साहस, मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पे नहीं रुकना। अरे कौन वापस जाने के लिए कह रहा है? मैं तुझसे इतना कह रहा हूँ कि गाड़ी में चलाऊंगा, लाओ। अरे दो तो, अरे माँ कसम तुम्हारी गाड़ी पे एक भी स्क्रैच ना आने दूंगा, लाओ। चलो एक बताओ, क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो इतना आंसू है, जब कुछ होगा तब क्या करोगी? वैसे सही है, आंसू आंखों के लिए अच्छे होते हैं, आंखें क्लीन हो जाती हैं और दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं आता। प्लीज प्लीज अब लेक्चर मत दो। ठीक,
चलो अब तो बता दो कि क्या चल रहा दिमाग में। रघुवीर मुझे अरेस्ट कैसे करवा सकता है, इतनी नफरत करता है मुझसे। बन्नी वो जो कर रहा है ना उसे करने दो, तुम हार ना मान। ऐसे सास, कल पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए आ रही है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है, लॉयर का आता पता नहीं है, इन दोनों के अलावा एक पापा है जो मेरी सच की गवाही दे सकते हैं, लेकिन वो तीर्थ यात्रा पर गए, उनका फोन ही नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं सास। सास कहाँ जा रहे हो? वापस घर। सास मैंने कहा ना कि मुझे नहीं जाना है। बानी, मैंने आज तक ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देखा जिसमें मैदान छोड़कर जाने वाला जीत गया हूं। घर तो जाना ही पड़ेगा। वैसे एक बात तो मन ने भी समझ में ना आ रही, ये किसके कहने पे डॉक्टर इतना बड़ा झूठ बोलेगा? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कौन हो सकता है। क्या हुआ? ओ, ये तुम्हारा डॉक्टर है ना? हाँ, लेकिन किससे बात कर रहा है? मन ने तो बड़ी गड़बड़ लागे है। कौन हो सकता है? रघुवीर? वही मैं सोचूं कि रघुवीर के सिवा ये काम कौन कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ देने के लिए रघुवीर ये सब भी कर सकता है। इस डॉक्टर की तो मैं वो हालत करूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं साहस, पैसों का बोझ ज्यादा है, डॉक्टर सच नहीं बोलने वाला, इस पर हाथ उठाना हमारे लिए उल्टा पड़ सकता है, पुलिस सोचेगी कि मैं ही फ्रॉड हूं। लेकिन तुम इनोसेंट हो, ये भी तो सबको बताना पड़ेगा ना। हम क्यों बताएं? मतलब कुत्ते ने ना की हजम ना हुए। क्या आइडिया? मेरे पैसे, मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग। तुम तो वहां प्रगति के साथ थे ना? अरे बावले, प्रगति ना पानी, वो प्रगति है समझे? और तुम मेरे घर में ये क्या कर रहे हो? ये ताका उपदेश देने आया हूँ। बकवास बंद करो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। कर कर कर, मैं भी तो यही चाहूँ। बिंदास फोन कर पुलिस ने, तब तक ये जाट तो यहीं बैठेगा आराम से, और जब पुलिस आवेगी तब बताऊंगा तेरा और इस बैग का कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? रिश्वत का, ब्लैक मनी का। स्टॉप इट, ये मेरी मेहनत की कमाई है। अच्छा, मेहनत तो की है भाई, बहुत मेहनत की, इतना बड़ा झूठ जो बोला इन पैसों के लिए। और वैसे भी मेहनत की कमाई को ना लोग बैंक में रखे हैं, ऐसे छत पीछे लगा के ना सोते। मेरा पैसा है, मैं कहीं भी रख के सोऊं, तुमसे मतलब? बड़े ढीट हो डॉक्टर साहब, अगर मेरे धर्म भाई ना होते तो कसम से अब तक तो रख दी होती। धर्म भाई? जी, मैं भी पेशे से डॉक्टर हूँ। अब यो बताओ, पुलिस के सामने झूठ बोलने के लिए किसने कहा था? रघुवीर ने ना। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं जानता था तुम ना ऐसे ना मानने वाले। ये देख सबूत। हाँ? तारीख, शॉर्ट फिल्म। अब ये वीडियो पहले मैं दिखाऊंगा पुलिस ने, और उसके बाद मेडिकल एसोसिएशन ने, तो तुम्हारे नाम के आगे पहले तो डॉक्टर हटेगा और फिर लग जाएगा मुजरिम। सोच लो डॉक्टर साहब, अब आपको सिर्फ आपका कन्फेशन ही बचा सके। ना 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 डॉक्टर साहब, इतने घबराने की बात ना है,
सोच लो, अगर जेल गए तो पैसा लाइसेंस सब कुछ जाएगा, और जो अगर सच बोला सजा तो होगी लेकिन डॉक्टरी बच्चा भी। सोच लो क्या करना है। मैं सब सच बता दूंगा। ये नबार क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इसे जीत की खुशी कहते हैं मैडम। खुशी अपने दम पर जीतने की होती है, किसी और को मोहरा बना के नहीं, इसे धोखा कहते हैं। सत्य वचन प्रवचन माते, धोखे की बात कर रही हैं आप? और जो तुमने मुझे दिया वो क्या था प्रगति? तुमने मुझसे झूठ बोला, अपना सच छुपाया, और भी इतने धोखे दिए ना, अगर लिस्ट बनाने बैठूंगा ना तो कई दिन निकल जाएंगे। अरे तुम साक्षात धोखे की क्या थी, हो क्या थी डेफिनेशन हो, और ऐसी डेफिनेशन पे सेलिब्रेशन तो बनता है ना। वाह। हाँ मैंने अपना सच नहीं बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपना सच नहीं बताना चाहती, लेकिन आपने जो किया वो तो आप किसी को बता ही नहीं सकते। मुझे गलत साबित करने के लिए कितना बड़ा गलत कदम उठाया आपने। गलती? By the way, कौन सी गलती की मैंने? साबित कर सकती हूँ? अरे दे दे दे, नहीं कर सकती। Exactly. तो एक काम करो, मैं तो कहता हूँ प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे ना जेल में व्हाइट कलर की कमाल की साड़ी मिलती है जिसमें ब्लू लाइनिंग होती है, वो पहन के सारी जिंदगी तुम्हें काटनी पड़ेगी। क्या पता शायद किसी और को वो ड्रेस पहनना पड़े। सीधा सीधा बताओ क्या है, कौन बनेगा किसका पति, मेरे साथ मत खेलो। वो क्या है ना, बात बताने में मजा नहीं आएगा। मैं एक काम करती हूँ, आपको लाइव दिखाती हूँ। ओके प्लीज। डॉक्टर को पैसे खिलाए होंगे, कोई नई रिपोर्ट बनवाइए डॉक्टर से, हाँ पैसे खिला के। सही को गलत बताना ऐसी खरीदारी सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसीलिए कल डॉक्टर ने मेरे ओरिजिनल रिपोर्ट्स को फेक बताया। और हाँ, डॉक्टर साहब मान गए कि झूठ बोलने के लिए चढ़ावा तूने चढ़ाया था। ये रहा वो चढ़ावा। चल मैंने जो किया किया, तू साबित कर सकता है? सबूत है कोई? है हमारे पास। सॉरी इंस्पेक्टर, मैंने कल आपको झूठी रिपोर्ट्स दिखाई थी, प्रगति ही बानी है। खाई में गिरने के बाद प्रगति के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी मैंने की थी, ये रही उसकी सही रिपोर्ट्स, और साथ में ये डीएनए डिटेल्स भी। और ये रहा वो कैश जो मुझे झूठ बोलने के लिए मिस्टर रघुवीर मल्होत्रा ने दिया था। ये सब क्या है मिस्टर मल्होत्रा? दरअसल बात यह है कि हमें यही लगा कि प्रगति हमारे साथ कोई खेल खेल रही है, शायद इसलिए रघुवीर ने ऐसा कुछ किया होगा।
लेकिन मिस्टर रघुवीर अपनी बीवी को प्रगति क्यों साबित करना चाहते हैं? बल्कि ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रगति बानी है। क्योंकि सच कुछ और ही है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब किसी ने ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई? क्या सच में मेरा एक्सीडेंट हुआ था? या फिर किसी ने मुझे मारने की कोशिश की? ऐसा नहीं लगा, बानी गई, किस्सा खत्म, बस उसका सब कुछ मेरा। शायद फैमिली में से कोई और है जिसकी नजर मेरे प्रॉपर्टी पे थी। आपकी बात तो पूरी सही है मैडम। अगर आप इनमें से किसी पे भी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती हैं, तो आप FIR दर्ज कर सकती हैं। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कोई FIR नहीं करवाना। लेकिन मैडम, अगर आप चाहें तो डॉक्टर और अपने हस्बैंड पे कंप्लेंट कर सकती हैं। नहीं, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। लीजिए डॉक्टर साहब, आपकी प्रॉब्लम हल हो गई। थैंक यू बोल दीजिए मैडम को। थैंक यू मिसेस मल्होत्रा, एंड थैंक यू मिस्टर साहस। ओ मेरे धर्म भाई, दोबारा ऐसी गलती ना करें, वरना पूरा ट्रीटमेंट करवा दूंगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब किसी ने ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई? क्या सच में मेरा एक्सीडेंट हुआ था? या फिर किसी ने मुझे मारने की कोशिश की? अगर आप इनमें से किसी पे भी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती हैं, तो आप FIR दर्ज कर सकती हैं। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कोई FIR नहीं करवानी। उसने FIR क्यों नहीं करवाया? मैं उसे मारना चाहता था, ये शक तो उसे पहले से था। शक था, यकीन नहीं, दिमाग कह रहा था, लेकिन मन कभी नहीं माना। और जो शक भी हुआ था, वो तो कब का जा चुका है। आप बानी को तकलीफ नहीं दे सकते थे, उसे मौत क्या देते? वो तो कोई और ही है। मैं बहुत जल्द मैं सबके सामने लाऊंगी।